मेरा एक्सपीरियंस, मैं एक ही दिन के लिए आया था, एक ही दिन में शूट हुआ है गाना और मुझे पता भी नहीं था, सडनली पाजी भेजे तो गाना तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो बिना डांस प्रैक्टिस जगह पे जो भी डांस प्रैक्टिस किए वो उसी दिन सेम डे किए जिस दिन शूट करने का था, और बहुत ही मस्ती की है, मस्ती करते करते शूट कर लिया, मालूम ही नहीं पड़ा कि शूट हो गया। सूरी पाजी से मेरा एक अच्छा रिलेशन है, एक बड़े भाई जैसे, वो मेरे इससे पहले भी सॉन्ग लॉन्च में आ चुके हैं, और मस्ती में नाचो जो मेरे भाई का सॉन्ग आने वाला है उसमें भी को प्रोड्यूसर है। सो इसलिए ये गाना मेरे को बोले कि तू करेगा तो अच्छा रहेगा, तो फिर बड़े भाई है बोले तो फिर मैं ये नहीं, मैं सडनली मेरे को एक दिन पहले गाना भेजे, बोले कि 3 दिन बाद शूट है, और उसके जिस दिन गाना शूट किया उस दिन उसके एक दिन पहले भी कुछ तो फैसू की पार्टी थी, 10 मिलियन की, 10 मिलियन की पार्टी के पास नेक्स्ट डे शूट हुआ, शूट के बाद तुरंत उसी दिन अगले अर्ली मॉर्निंग में गोवा गया था, तो 3 दिन में कंटिन्यू नहीं सो पाया था वो ये गाने के शूट के लिए। सॉन्ग तो एक स्टेप है, उसके बाद एक और स्टेप है, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते ही जा रहा हूँ। आप लोग की दुआ, ऐसी प्यार, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो अभी सॉन्ग है, फिर आगे वेब सीरीज़, फिर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, मैं तो देख रहा हूँ, मेरे को तो कमेंट्स पे एडी लवर्स तो कमेंट भर ही डाले पूरा, इतने बड़े बड़े कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमेशा की तरह आप लोग अपना प्यार इतना दिखा रहे हो, सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और ये मेरा अलग रूप देखे, जैसे कबीर सिंह में इंटेंस, फिर सब अलग अलग जॉनर में, अभी ये जैसे फन सॉन्ग था एकदम, अब इसके बाद एक और है वो थोड़ा रैप सॉन्ग है, उसमें Team07 है, तो उसके लिए भी सब लोग एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। और पाजी कैसे हो, कैसा दिख रहा हूँ? मैं इससे पहले कभी रंग से ऐसा कुछ होली कभी नहीं खेला, ये शूट था तो पहले तो बहुत डरता था कि आँख में कुछ लगेगा ये, पर ये सॉन्ग शूट करते करते होली भी खेले और पता भी नहीं चला कि कब शूट हुआ, शूट कर रहे थे कि मस्ती कर रहे थे। वो तो मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और एडी लवर्स का तो प्यार तो देखने ही, खाली बस यहाँ से एक पोस्टर यहाँ पे वायरल हो रहा है, अगर सोशल मीडिया पे गलती से कोई पोस्ट कर दे रहा है तो इतने सारे पेजेस पे और इतने सारे यूट्यूब पे सब दिख रहे सब वीडियोस उसी चीज़ से, एक पर्टिकुलर चीज़ का, इससे पता चल रहा है कि कोई भी एक चीज़ को लेके कितना हम लोग के एडी लवर्स, जो हम लोग की फैमिली है सोशल मीडिया की, कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी एक्साइटेड हो जाती है हम लोग की कोई भी चीज़ को लेकर। थैंक यू सो मच। भाई क्या कहेंगे इस सॉन्ग के बारे में, देखा बहुत अच्छा लगा सॉन्ग, आपने एक्ट भी किया है इस सॉन्ग में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में? बहुत मज़ा आया क्योंकि इट्स ऑल अबाउट होली और होली आने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू अ वेरी हैप्पी होली इन एडवांस, क्योंकि होली का टाइम है और होली नहीं खेली तो फिर क्या फ़ायदा, मज़ा कैसे आएगा। तो हमने पहली होली खेल चुके हैं, अब आप लोगों का नंबर है, तो आप लोग गाना ज़रूर देखिए कि हमने होली कैसे खेली है, और गाना भी गाना, बहुत मस्ती, बहुत मस्ती की है। और प्लीज़ आपको, आप लोगों को गाना अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो भी करना बस शेयर करना। सना आप बताएंगी आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया रहा, ये मेरा फर्स्ट होली सॉन्ग है और फर्स्ट में ही मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया कि सेकंड ये कि आप रैप आप करते हुए दिख रहे हो, आपने वो कैसे कमाल किया है कि होली के गाने में एक रैप आपने डाला? देखो अभी क्या है ना, जितने भी गाने आ रहे हैं उन सब में एक रिक्वायरमेंट होती है, मेलोडी गाना है या कैसे भी गाना है, आज की जनरेशन को रैप बहुत पसंद आता है, तो अभी मिक्सअप गाने जो ट्रेंड चलाया था हमारे हनी सिंह पाजी ने, मैं उनको शुरू से फॉलो करता हूँ, तो अभी वही ट्रेंड चालू है और सब लोगों को वो पसंद आता है, तो आप जैसे ये गाना आप लोगों को पसंद आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं गाने पे और हमें इंस्टाग्राम पे बहुत मेंशन भी हो रहा है गाना, तो सब लोगों को गाना बहुत पसंद आ रहा है, तो यही हमारे लिए मतलब हमारी मेहनत जब वसूल होती है ना, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इस कैमरे के पीछे, स्क्रीन के पीछे, आप लोग को सिर्फ एक प्रोडक्ट दिखता है 5 मिनट का,
चार मिनट का, बट उसके पीछे बहुत दिन की मेहनत होती है, महीनों की मेहनत होती है। तो अगर वो मेहनत हमारी वसूल हो जाए, लोगों को पसंद आ जाए, इससे बड़ी क्या बात है। ऐसे आपको जोड़ी को बहुत लोग पसंद करते हैं, तो ये जोड़ी दोनों सिंगल आपस में देखने कम मिलेगी किसी गाने में या किसी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी साथ में ही मिलेगा देखने। एक्चुअली हमारा प्लान चल रहा है और हम लोग कल जाने भी वाले थे, कोई हैशटैग भी चल रहा है आप लोगों का। हाँ हाँ, एक हम दोनों का हैशटैग है जो लोगों ने दिया, इतने प्यार दे रहे हैं लोग, तो हम लोगों को दिया है सानिश हैशटैग, SANISH सानिश। फिर एक हैशटैग हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था जिसमें हम तीन लोग हैं, निशा गुरागा, इंसाना, मैं, तो वो हम तीनों का एक ग्रुप है हैशटैग फैंटेस्टिक 3, जिसको अभी हमने स्टार्ट तो नहीं किया बट अनाउंस किया था, तो अभी उस पर भी हम काम स्टार्ट करेंगे। बाकी सना के साथ मेरा एक सिंगल ट्रैक आ रहा है जो कल शूट होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ वेदर की जो एक टेबल आती है, न्यूज़ आती है, उसमें पता चला है कि वहाँ पे उस जगह पे बारिश है 3 दिन दिल्ली साइड में, तो हम लोग शूट नहीं कर पाएंगे। चंडीगढ़ में हम लोग जाने वाले थे, होली कहीं आप इंजॉय करने वाले हैं कि मुंबई में ही रहेंगे, कुछ होली के बारे में बताइए। नहीं अभी हम होली में तो हम यहीं रहने वाले हैं, होली हम यहीं इंजॉय करेंगे क्योंकि होली पे भी हमारा गाना लॉन्च होगा और बहुत सारे लोगों के सामने हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं होली का, तो यहीं पे सब लोग के आप लोग भी साथ में रहोगे, इंजॉय करोगे, उसके बाद हम शूट पे जाएंगे नेक्स्ट डे। एक गाना गुनगुना दीजिए हल्का सा। मेरा गाना, चलो रैप सॉन्ग की बात हो रही है तो मैं एक रैप सॉन्ग, मेरा जो लेटेस्ट रैप सॉन्ग है वो गा देता हूँ, जो एक आर्टिस्ट के स्ट्रगल की गानी है, तो उसकी लाइन कुछ ऐसे है जो मैं एक आर्टिस्ट बयां कर रहा है अपने दिल से। शुरू से ही जीत का जज्बा लेके चले थे, छाव न थी सर पे, कड़ी धूप में हम जले थे, कोई ना था साथ, खुद ही खड़ा किया एम्पायर, कामयाबी ने लगा दी हेटर्स के दिलों में फायर, रोका कईयों ने रुके नहीं, झुकाया कईयों ने झुके नहीं, निशाना लगा सीधा मंजिल पे जाके, मेहनत की बेटा कोई तुक्के नहीं, साथ साथ कोई ताया न मामा न चाचा, लग गया बातें करने वालों को तमाचा, एड़े चाले करने वालों की शामत अब आई है, कॉल्स पे कॉल्स हमारा रेट अब हाई है। सना बहुत अच्छा गाती है, बस ये बहुत शर्मीली है, बताए कभी कभी चुप नहीं, कभी कभी चुपके से बताए, मैं इसने सोचा कोई नहीं है तो गाना शुरू हो जाती है, मैं आके सुनता हूँ ऐसे, फिर एकदम चुप हो जाती है, फिर नहीं गा पाती, तन्हाई में गाती है, कुछ गा दो सुना दो। सिंगर नहीं हूँ, मैं सिंगर नहीं, कोई नहीं, मैं एक दिन इससे गवा के छोड़ूंगा। हैप्पी होली गाइस, और आप, मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट ही करूँगा, सबसे एक सेफ होली खेलें, और जो होली खेलना नहीं चाहता उसके साथ मत खेलें, ज़बरदस्ती किसी को रंग ना मारे, पानी ना मारे, पानी सेव करें, कम से कम पानी का यूज़ करें, और हेल्दी जो कलर आते हैं वो सब मार्केट में मिलते हैं वो यूज़ करें। कुछ खास यादें जो अदनान और आपकी टीम के साथ? हाँ, पूरी टीम के साथ बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं, उस दिन बहुत ही मस्ती की हम लोगों ने। सबसे पहले तो दानिश और सना को कहना चाहूँगी, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है गाने में कि मतलब मैं नहीं कर पाती अगर वो नहीं रहते, तो आई लव यू ऑल ग्रुप, जितने भी मेरे ग्रुप के मेम्बर्स हैं सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत प्यारे। कोई फनी मोमेंट्स? फनी मोमेंट्स फनी तो इतने हैं कि बता भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा, बहुत इंजॉय किया है मैंने पूरे सॉन्ग को। होली कैसे आप इंजॉय? होली अभी होली आधी मेरी तो मनी गई है पहले ही, बिकॉज वो दिन पे ऐसा लग रहा था कि आज ही होली है, जिस दिन हमारा शूट था ऐसा मुझे फील हो रहा था कि आज ही होली, बिकॉज इतना प्यारा डेकोरेशन था, सूरी पाजी ने बहुत ही प्यारा डेकोरेशन किया था वहाँ पे जहाँ हमारा शूट था। तो अभी 50% है, 10 को देखते हैं कहाँ सेलिब्रेट होता है। ऐसे टिकटॉकर आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपने गाने भी गाने शुरू हो गया, और आगे क्या आपकी जर्नी में और क्या है जो आप करना चाहते हैं? अभी वो तो मैं नहीं बता सकती क्या करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ बड़ा ही करना चाहती हूँ, एंड इतना प्यार मिलता है मुझे तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों के लिए भी कुछ करूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, यहाँ तक लेके आए, मैं कुछ भी नहीं थी टिकटॉक के बिना, तो टिकटॉक को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आखिर में होली के बीच क्या होली के बीच दे होली के होली के बीच दर्शकों को ओके हैप्पी होली इन एडवांस। हाय दिस इज मुना गोचर। मुना, गाने के कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, इतना अच्छा गाना प्रोड्यूस हुआ क्योंकि होली सॉन्ग है और बहुत सारे स्टार इसमें है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? या ये मेरा पहली बार है मैंने ये इंडियन म्यूजिक वीडियो किया है, एंड देन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आई हैड अ लॉट ऑफ फन, सब लोग
लाइक मेरे टीम सब लोग इतने अच्छे अच्छे टिकटॉक स्टार भी है, उन लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. एट द सेम टाइम ऑल द प्रोडक्शन टीम एंड डायरेक्टर दे वर वेरी टैलेंटेड एंड अमेजिंग. सो अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस पहली बार इंडियन म्यूजिक वीडियो करके. एंड हाँ, सुबह से शाम तक वी वर जस्ट शूटिंग एंड वी हैड अ फन. होली बहुत अच्छे से मनाया हमने. या एक्सपीरियंस अच्छा था, पर हाँ ऑब्वियसली छोटे फ़ोन से एक वीडियो लेना और एक बड़ा सा म्यूज़िक वीडियो बनाने में बहुत ह्यूज डिफरेंस है. एंड देन मेहनत ज़्यादा पड़ती है. एंड या मेहनत ज़्यादा पड़ती है. या अभी तो लाइक आई बीन डूइंग मॉडलिंग एंड एक्टिंग. सो या यू बी seeing me in few commercial ad and all, so I'm planning to do acting in future. Let's hope for that. Already ye bade naam hai, Adnan hai, Adnan07 hai, inke sath aapne kaam kiya hai, to in logo ke bare mein puche koi yaad hai aisi jo? Ha, maine hamara pehli din hamara dance rehearsal tha, us time par maine pehli bar sab logo ko mili main. And then sab log acche the, they were very sweet, they were very humble and they were helping me out for so many things. So yeah, sab log bahut acche hai by the way. Koi best aisa moment jo guzra hua aapka video ke time par, aisa kuch acha jo aapko funny laga ho aaj bhi yaad karte ho? Hamara shoot ke time par like like we were just dancing and baad mein jab rap aaya tha na, rap mein we were dancing jo man chahe wahi kar rahe the. And then so many times I got hit by, I think Danish, I got hit by him so many times. Yeah, it was किस तरह से मनाते? नेपाल में भी होली मनाते हैं. सो हम फैमिली और दोस्त लोग गैदर होते हैं, यूज कलर्स वाटर्स एंड देन हाँ पार्टी जाते हैं. Happy Holi to all of you and please do not forget to watch our song. I hope you're gonna like it. Thank you. Thank you so much. हाँ, आई एम आयान और मुझे ये सॉन्ग बहुत ही अमेजिंग लगा. मेरा भाई इसमें आमिर, अदनान, दानिश जो कि बहुत ही अमेजिंग एक्टर है, अल्लाह इन लोग को और तरक्की दे. और मेरे सीनियर है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इन लोग से कुछ सीखने मिलता है मुझे. तो मैं आता हूँ इनके वीडियोज़ में, इनसे रोज़ नया नया कुछ सीखता हूँ और अपने वीडियोज़ बनाता हूँ. बहुत खुशी होती है कि मेरे करीबी दोस्त भी है, मेरे भाई भी है और जितने भी मेरे सीनियर हैं उनको आई लव यू. बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को और मैं इसी इन लोग को देख के वीडियो बनाता हूँ. अच्छा लगता है बहुत. और सॉन्ग तो बहुत अमेजिंग है, बस होली का वेट कर रहा हूँ. जिस दिन होली आएगी तो ये सॉन्ग सुन के होली खेलना है मुझे. धमाल करेंगे यार, धमाल करना है और कुछ नहीं करना है, बस सॉन्ग के ऊपर धमाल करना है. आमिर भाई अभी तक नहीं आए? आमिर भाई एक्चुअली थोड़ा काम में बिजी है तो उनको आने में थोड़ा सा लेट होगा या तो आ नहीं पाएंगे, बट उनकी जगह हम आए, हमारा भाई है. अच्छा लगा मिल के. फैन से यही कहना चाहूँगा कि फैंस भी बस सपोर्ट करें, जैसे कि मेरे भाइयों ने इस सॉन्ग में जितना मेहनत किया है, तो आप प्लीज़ उस वीडियोज़ को देखें और उस वीडियोज़ को सपोर्ट करें. अदनान मेरा बड़ा भाई और आमिर मेरा बड़ा भाई, इन लोग को देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाई लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं. तो अल्लाह करे लोग इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े, बस छोटे भाइयों पे भी ध्यान दे. और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह इनको इतनी तरक्की दे, हर प्लेटफॉर्म पे इन्हीं का नाम गिना जाए. आमीन आमीन आमीन. और चांद 07 मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैंने देखा बहुत ही अच्छा लगा. अभी बस वापस से देखने जा रहा हूँ. बस आप लोग जो जो नहीं देखा है वो भी देखो और सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो बस. अंदर जैसे हुआ सॉन्ग रिलीज़ हुआ, कैसा लगा? रिलीज़ हुआ तो मुझे तो सेंड किए, मैंने देखा उसको, रात में मैं सो रहा था तो अदनान भाई सेंड किए मेरे को लिंक, तो मैंने देखा, ओपन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो अभी उस पर मेरे को टिकटॉक भी बनाना है, आप लोग भी बनाओ. देखो जिसका ज़्यादा अच्छा कंटेंट रहेगा उसको हम लोग स्टोरी भी डालेंगे. फैन के लिए क्या? फैन के लिए बस सपोर्ट करो और आप लोग हो तो हम लोग हैं और कुछ नहीं, बस लव यू एवरीवन. Thank you so much.
भी हैं साथ में। तापसी फराक थैंक यू Well, I'll let the choreographer speak first. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. इट वॉज माई फर्स्ट टाइम वर्किंग विद टिकटॉकर्स एंड इट वॉज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा वीडियो निकाला है. बहुत मेहनत की है. आनंद हैज़ डन अ फिनोमिनल जॉब और राज सर भी बहुत बहुत सपोर्टिव रहे हैं थ्रू आउट द प्रोसेस एंड वी होप कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगे गाना और आप उसको बहुत सारा प्यार दो और शेयर करो उसे एंड गिव अस लॉट्स ऑफ लव बेसिकली. वेल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनर्जी के बारे में बोलना चाहूँगा. जैसा आप लोगों को वीडियो देख के लगा होगा दी एनर्जी वॉज जस्ट अमेजिंग एंड आई थिंक राज सर और आनंद सर ने ये स्टार्टिंग से ही मेक श्योर करा था दैट एनर्जी सेट पे जो रहे वो इधर एंड देन वी इन्जॉयड अरसेल्व्स वेरी मच. आई एम श्योर सारे आर्टिस्ट ने बहुत इन्जॉय करा एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू गाइस सी ऑन द वीडियो. सो इट वॉज ग्रेट. इन्हीं के कंपनी है म्यूजिक फैक्ट्री वहीं इनकी कंपनी है म्यूजिक फैक्ट्री वहीं ये गाना बनाए तो गाने की बुनियाद डालने वाले ये हैं मिस्टर निशांत पिट्टी और शिवांशु जी हैं. ये हमारी फैमिली है और अच्छा है कि ये लोग आए. दैट्स अ वेरी बिग थिंग. इज फ्रॉम दिल्ली एंड इज फ्रॉम वाराणसी. सो आई थैंक एवरीबॉडी कि आए. वेरी नाइस. बहुत इतने 7 महीने रिलीज हो चुके हैं ऑलरेडी. हाफ अ डे के अंदर एक्सपेक्ट अच्छा होना चाहिए.